तो हेलो नमस्ते असलामुअलैकुम सत श्री अकाल केम छो नाना। तो कैसे हैं आप लोग। सलमान खान बॉलीवुड के बहुत ही कम सुपरस्टार में से हैं जो कि ज़्यादातर अपनी फिल्में ईद पर रिलीज करते हैं। ईद पर रिलीज यानी धमाकेदार कमाई, शानदार ओपनिंग और फैंस को उनकी तरफ से ईदी भी मिल जाती है। तो आज हम सलमान खान की सभी फिल्में जो कि ईद पर रिलीज हुई है उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालाइज करने वाले हैं। और प्लीज़ लास्ट का पॉइंट मिस मत करिए क्योंकि उधर ही डिटेल में बात हुए हैं, उसको मिस करोगे तो आप लोग बहुत ही बड़े पागल हो गए। तो चलिए लाइक का बटन दबा दो, शुरू करते हैं। नंबर वन प्लेस पर सलमान भाई की एक बढ़िया फिल्म जुड़वा, और इस फिल्म में सलमान भाई ने डबल रोल प्ले किया था, एक तरफ राजा और एक तरफ प्रेम। और ये एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर और रामबा दिखाई दे चुके हैं। डायरेक्टर थे डेविड धवन और ये फिल्म 7/5/1997 के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म को IMDB पे 10/6 की रेटिंग हासिल है और ये फिल्म का बजट था 6.25 करोड़। फिल्म ने पहले दिन 76 लाख का कलेक्शन की थी और इस फिल्म में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 13 करोड़ 40 लाख, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 23.14 करोड़, और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में 24.13 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर टू क्योंकि, और ये एक रोमांटिक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर, रिमी सेन, सुनील शेट्टी, अन्ना, जैकी श्रॉफ, ओमपुरी दिखाई दे चुके हैं। राइटर प्लस डायरेक्टर थे आइकॉनिक डायरेक्टर प्रियदर्शन और ये फिल्म 3 नवंबर 2005 के मौके पर रिलीज हुई थी ईद और दीपावली के। और ये फिल्म को IMDB पे 10/5.5 की रेटिंग हासिल है। और इसी दिन प्रियदर्शन की अगली फिल्म रिलीज हुई थी गरम मसाला करके, और ये फिल्म को ऑडियंस से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था क्योंकि एक मसाला मूवी थी और फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम दिखाई दिए थे। और फिल्म का कलेक्शन देखो, फिल्म का बजट था 18 करोड़, फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 12 करोड़ 71 लाख, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 17 करोड़ 65 लाख, और ये फिल्म ने दुनिया भर में 22.8 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। रीज़न आप सभी को मालूम पड़ गया होगा। मुत्री जाने मन, और ये सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की एक शानदार फिल्म थी। फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर एक ही इंसान थे, महान इंसान थे श्री सुंदर, जो कि आगे चल के हम सबको जोकर और मिस सीरियल किलर जैसी फिल्में प्रोवाइड किए हैं। और ये फिल्म 20 अक्टूबर 2006 के मौके पर रिलीज हुई थी दीपावली और ईद के शुभ दिन पर। और ये फिल्म को इंसिडेंटली डॉन फिल्म से क्लैश की थी जो कि SRK की फिल्म थी। दोनों फिल्म का बजट था 35 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 25.15 करोड़, वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने दुनिया भर में 35.53 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। लेकिन ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिए आगे चल के, लेकिन उस समय इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था और डॉन फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म ने दुनिया भर में 105 करोड़ का कलेक्शन किया, बजट था सिर्फ 35 करोड़। गोली मार देते मिस्टर मलिक, आप मेरी माँ को नहीं जानते थे। नंबर 4 वॉन्टेड, और इस फिल्म के बाद धमाका होने वाले, तो प्लीज एक सेकंड में वीडियो को मिस मत करियो। वॉन्टेड जो कि एक एक्शन रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान और आयशा टाकिया दिखाई दे चुके हैं। डायरेक्टर थे प्रभु देवा और ये फिल्म 18 सितंबर 2009 के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म को IMDB पर 10/6.6 की रेटिंग हासिल है 20,000 वोट के साथ और ये फिल्म का बजट था 15 करोड़। फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 16 करोड़ 25 लाख, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 83.15 करोड़, और ये फिल्म ने दुनिया भर में 93.25 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई। और ये 2009 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। नंबर 4 पोजीशन पे, नंबर 1 पे थी 3 इडियट, नंबर 2 पे थी लव आजकल, नंबर 3 पे थी अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म में सलमान भाई ने कैमियो किया था। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। दबंग, और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा दिखाई दे चुके हैं। डायरेक्टर थे अभिनव केशव और ये फिल्म 10 सितंबर को रिलीज हुई थी ईद के मौके पे। और ये फिल्म को टोटल 54 अवार्ड्स मिल चुके हैं इंक्लूडिंग नेशनल फिल्म अवार्ड, 6 फिल्मफेयर अवार्ड और बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये फिल्म को IMDB पे 10/6.2 की रेटिंग हासिल है 28,000 वोट के साथ और इस फिल्म का आगे चल के तेलुगु और तमिल भाषा में रीमेक बना और ये 2010 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म का बजट था 42 करोड़, फिल्म इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 142 करोड़ और ये फिल्म ने दुनिया भर में 222 करोड़ का कलेक्शन की थी और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर 6 बॉडीगार्ड, और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान और करीना कपूर खान दिखाई दे चुके हैं। डायरेक्टर थे सिद्दीकी और ये फिल्म 31 अगस्त को रिलीज हुई थी 2011 के मौके पे। फिल्म ने पहले दिन 21.70 करोड़ की ओपनिंग ली थी। फिल्म का बजट था 16 करोड़, फिल्म में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 145 करोड़ और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 235 करोड़ का कलेक्शन किया अप्रॉक्स और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई।
नंबर 7 एक था टाइगर और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ दिखाई दे चुके हैं। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर थे कबीर खान और ये फिल्म 15 अगस्त 2012 के मौके पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म को IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग हासिल है 13,000 वोट के साथ और ये फिल्म का बजट था 75 करोड़। फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 199 करोड़ अप्रॉक्स। इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 263 करोड़ और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 320 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। 2013 में सलमान भाई ने एज अ लीड एक्टर कोई भी फिल्म में काम नहीं किया था लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस किया था। पोस्टर आप लोग देख सकते हो। नंबर 8 पे है किक और ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान एज डेविल, जैकलिन रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई दे चुके हैं। डायरेक्टर थे साजिद नडियाडवाला, उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर और ये फिल्म 25 जुलाई को रिलीज हुई थी इंडिया में और ये फिल्म को IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 की रेटिंग हासिल है। फिल्म का बजट था 100 करोड़। फिल्म में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 232 करोड़, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 322 करोड़ और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में 390 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। का बहुत अच्छा है, हथकड़ी पहना के लेके चलो, इसमें किक है। नंबर 9 प्लेस पे सलमान भाई की वन ऑफ द बेस्ट और हाईएस्ट रेटेड मूवी बजरंगी भाईजान और इस फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाज भाई, हरसाली मल्होत्रा दिखाई दे चुकी हैं। डायरेक्टर थे कबीर खान और ये फिल्म 17 जुलाई 2050 के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म को IMDb पे 10 आउट ऑफ 8 की रेटिंग हासिल है, टॉप रेटेड इंडियन मूवी के लिस्ट में शामिल है और ये फिल्म का बजट 90 करोड़ था। इस फिल्म में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 320 करोड़, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 445 करोड़ और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 920 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म भी एक ATB साबित हुई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर 10 प्लेस पे सलमान भाई की दमदार फिल्म सुल्तान और ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान एज सुल्तान अली खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा दिखाई दे चुके हैं। राइटर और डायरेक्टर थे अली अब्बास जाफर और ये फिल्म 6 जुलाई को रिलीज हुई थी 2016 के मौके पे और ये फिल्म इंडिया के रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म के बैनर तले बनी थी। फिल्म को IMDb पे 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग हासिल है। फिल्म का बजट 80 करोड़ था। प्लीज़ भाई शौक मत होना, फिल्म में सलमान खान ने प्रॉफिट लिया था और इंडिया में इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया था 301 करोड़, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 420 करोड़, वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में 624 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। मन्ने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। नंबर 11 ट्यूबलाइट और ये एक वॉर ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान और सोहेल खान एक साथ दिखाई दिए थे। राइटर और डायरेक्टर थे कबीर खान और ये फिल्म 23 जून को रिलीज हुई थी ईद के मौके पे और ये फिल्म का बजट था 100 करोड़। फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 120 करोड़, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 166 करोड़ और ये फिल्म ने दुनिया भर में 211 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर 12 रेस 3 और ये एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर, जैकी यानी जैकलिन, बॉबी देओल और साकिब सलीम दिखाई दिए थे। डायरेक्टर थे चिचा रेमो डिसूजा और ये फिल्म 15 जून को रिलीज हुई थी ईद के मौके पे और ये फिल्म का बजट था 165 करोड़। फिल्म में इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 169 करोड़, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 217 करोड़, वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 295 करोड़ का कलेक्शन किया और ये फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई। नंबर 30 भारत और इस फिल्म में सलमान खान एज भारत, कैटरीना कैफ और दिशा पार्टी दिखाई दी थी। डायरेक्टर थे अली अब्बास जाफर और ये फिल्म 5 जून 2019 के मौके पर रिलीज हुई थी और ये 2019 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। नंबर 1 पे थी वॉर और ये फिल्म का बजट था 165 करोड़। फिल्म में इंडिया में नेट कलेक्शन की थी 212 करोड़, इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन की थी 252 करोड़ और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में इस फिल्म ने 326 करोड़ का कलेक्शन की और ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। तुझमें पूरा देश है भारत। नंबर 40 राधे और मोस्ट वांटेड भाई और ये भी फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। फिल्म 30 मई को रिलीज होगी और ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में थिएटरिकल रिलीज लेने वाली है और ये फिल्म इंडिया में जीप्लेक्स पर रिलीज होने वाली है। आप लोग जीप्लेक्स पर ये फिल्म देख सकते हो। 249 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा अगर आप लोग ये फिल्म देखने वाले हो। यस करके बताओ, नहीं देखोगे तो नो करके बताओ। तो ये थी सलमान खान की सभी फिल्में जो कि ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। तो चलिए असली काम शुरू करते हैं। टोटल मूवी 40 इंक्लूडिंग राधे, फ्लॉप 2 फिल्म, एवरेज हिट 7 फिल्म, सुपर हिट 00, ब्लॉकबस्टर 5 फिल्म, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1951.25 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 3719 करोड़ अप्रॉक्स। और सलमान खान की अगली फिल्म जो कि ईद पर रिलीज होने वाली है उसका नाम है टाइगर 3, जो कि एक बहुत ही बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और फिल्म का बजट
बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और इस फिल्म में इमरान हाशमी, सलमान खान और कैटरीना कैफ दिखाई देने वाली है। डायरेक्टर होने वाले मनीष शर्मा और ये फिल्म यश राज फिल्म के बैनर तले बनने वाली है। तो आप लोगों को सलमान खान की कौन सी फिल्म जो कि ईद पर रिलीज हुई थी वो पसंद है? मुझे बजरंगी भाईजान बहुत ही शानदार लगी थी। क्या फिल्म थी यार, एकदम तगड़ी फिल्म थी, पैसा वसूल फिल्म थी। आप लोगों को कौन सी फिल्म पसंद है? एक फिल्म का तो नाम बोलना ही पड़ेगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। तो लाइक नहीं किया तो लाइक फेंक कर मारो फटाफट, और कमेंट नहीं किया तो फटाफट कमेंट करो कौन सी फिल्म के लिए वेट कर रहे हो आप लोग। सलमान खान की आने वाली फिल्म की बात कर रहा हूँ, और शेयर भी कर सकते हो। शुक्रिया।